एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एंड हाँ, आपको एक खबर देनी थी कि मुझे कुछ दिन पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए यार। 500 भाई, 500 ना बहुत छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा नंबर है। और 3 साल में 500, मतलब क्या बोलेगा। इसके ना दो रीजन है, एक तो मेरा कंटेंट बोरिंग और खराब है, और दूसरा एक ऑब्वियस रीजन है, 67% जो देख रहे हैं ना, वो मतलब सब्सक्राइब ही नहीं करते, भाग जाते हैं। रुको, तुम लोग को पकड़ूंगा जरूर, बट ये देखो एक मौका दे रहा हूं, यहाँ पे एक गोल सा बटन आ गया, उसको क्लिक करो, फटाफट सब्सक्राइब करो। कर दिए? अच्छा, नहीं दिख रहा यहाँ पे बटन, नीचे जाओ और वहां पे सब्सक्राइब करो, करो फटाफट, देख रहा हूं तुम्हें मैं, कर लो। कर दिए? हाँ, बड़े स्मार्ट हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली बात एक क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे घर के पास में बैनर टर्मिनस है, और वहां पे से बहुत माइक्रोफोन वाली आवाज आएंगी, घर में टीवी चालू है, पीछे काम कर रहे लोग। मैं कह रहा था कि आप उन चीजों पे इग्नोर करो और वीडियो पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, व्हाई डू वी वांट मोटिवेशन इन आवर लाइफ। ओके, हमें मोटिवेशन क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है बेसिकली। पर जिंदगी में आगे क्यों बढ़ना है? बिकॉज हमें खुश रहना है हमेशा। पर याद रखना दोस्तों, खुशियां 3 चीजों के साथ आती है। इट कम्स विद प्राइस, इट कम्स विद टाइम, एंड इट कम्स विद चॉइस। ये 3 चीज होती है जिससे खुशियां आती है। तो पहले हम एस्पेक्ट पे बात करते हैं, जो है टाइम। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं टाइम की। ओके, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हैप्पीनेस। ओके, टाइम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी। याद रखना, मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी। सोना, चांदी, करेंसी कुछ सामने इसके बोलते ना, सब फेल है। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना फुल टाइम डेडिकेट करते हैं कोई चीज को, और फिर बोलते हैं ना उनको मिलती नहीं है वो चीज। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि हार्ड वर्क जो है, ओके, वो करो, पर वो देख के करो कि उस चीज का फ्यूचर है कि नहीं। ओके, उस हिसाब से अपना टाइम दे लो, बिकॉज टाइम एक बार गया तो वापस नहीं आता यार। टाइम से एक चीज सीखना चाहिए कि पास्ट में बोलते हैं ना, जो भी होता है उसको भूलते जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज टाइम पीछे वापस नहीं आता, वो आगे ही बढ़ते जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह कि टाइम जो है ना, आपको सब चीज देता है और सब चीज आपसे छीन भी लेता है। टाइम आपको ललचाएगा भी, और टाइम आपको बोलते हैं सताएगा भी, टाइम आपको मारेगा भी, और टाइम आपको हील भी करेगा। तो टाइम पे ध्यान देना, और आप अपना काम जो कर रहे हो वो टाइम पे कर रहे हो, या टाइम से पहले कर रहे हो, या फिर टाइम के बाद कर रहे हो, तीनों बहुत मैटर करता है। तो अपनी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा और देखिए अपना टाइम आप कहाँ पे दे रहे हो। तो अब हम दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं प्राइस। ओके, नॉट PRIZE, प्राइस। ओके, प्राइस मतलब कीमत। ओके, कोई चीज की क्या कीमत हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट कीमत क्या होता है? सैक्रिफाइस। पर आपको सैक्रिफाइस क्या करना चाहिए? सैक्रिफाइस आपको आपका लेजीनेस करना चाहिए। ओके, बी लेजी टू बी लेजी। ओके, तो सैक्रिफाइस कर दो अपने आलसपन को। दूसरा बात है, अपने आपको अंडर एस्टिमेट जो करते हो, आप सोचते मेरे से नहीं हो पाएगा, उसको भी सैक्रिफाइस कर दो। क्यों? क्योंकि यार वो एक बोझ की तरह बन जाता है, यू नो, आगे बढ़ने देता ही नहीं। इट्स लाइक मैं भाग रहा हूं, मैं फुल स्टैमिना डाल देता हूं, फुल स्टैमिना डाल रहा हूं, बट फिर भी मेरा स्लो मोशन ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज आपके पीछे जो है ना, एक लेजीनेस नाम का बोझा बांध के रखा है, और आपने अंडर एस्टिमेशन नाम का बोझा बांध के रखा है। उस बोझे को काट के फेंक दो सीरियसली, और फिर अगर आगे बढ़ना है तो यार इन चीजों की कीमत दे दो। बहुत तेजी से भागोगे जिंदगी में। बेसिकली हम हार्ड वर्क क्यों करते हैं? कोई चीज प्राप्त करने के लिए। तो प्राप्त, अगर आपको कोई चीज करनी है तो याद रखना दो चीजें। सबसे पहली बात, मन में कोई पाप ना हो। ओके, कोई मन में अगर लालच है, कोई पाप है, और अगर आप कोई चीज के पीछे हार्ड वर्क करो तो आपको वो नहीं मिलेगा, कितना भी। तो दोस्तों अभी मैं आ रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जिसको कहते हैं चॉइस। यार ये वाला पार्ट जो है ना, स्क्रिप्ट में लिखने के लिए बहुत ही टफ पड़ा। तो आपको एक सिंपल सा, मतलब बोलते हैं ना, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो मैंने गुरु गौर गोपाल दास जी से सीखा था। ओके, जो लोग ये बोलते हैं ना कि इट्स माय चॉइस, यू नो, इट्स माय चॉइस, तो उनको राइट चॉइस और रॉन्ग चॉइस के बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, एक मंदिर में 2 मार्बल्स होती है, एक मार्बल होती है जिसकी मूर्ति बनी होती है, और एक मार्बल होती है जिसकी टाइल बनी रहती है। तो जो टाइल वाली जो मार्बल रहती है ना, वो मूर्ति वाली मार्बल से ये पूछती है कि देखो तुम्हारी सब पूजा करते हैं, पर मुझ पे चलती क्यों जाते हैं? हम दोनों तो एक ही जगह से आए थे, तो डिफरेंस क्या है हम दोनों में? तो मूर्ति उसे कहती है, देखो जब हमें लाया गया था, हम एक ही जगह से आए, हमारा ट्रांसपोर्ट भी एक ही जगह से हुआ था, और हमारा मूर्तिकार भी सेम था। तुम पे सबसे पहले अपना हथौड़ा और चीनी चलाया गया, पर तुम जो थे ना, वो टूट गए और बिखर गए। तुम मतलब सहन नहीं कर पाए उस चीज को, पर मुझ पे भी हथौड़ा, चीनी सब चला गया, पर मैंने सहन किया, मैं वहां पे डटा रहा। मुझे भी दर्द हुआ, पर मैंने सहन किया, मैं उस चीज से गुजरा, उसका एक्सपीरियंस लिया, उसे समझा, उसे सीखा,
इसलिए आज मेरी नियुक्ति है। तो दोस्तों बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि अगर आप राइट चॉइस करते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा, पर अल्टीमेटली आपका गोल्स जो है वो रीच होगा। बाय द वे एक चीज बतानी थी आपको कि मैंने खुद नोटिस किया एडिट करने के बाद कि भाई मैं बहुत ज्यादा फंबल मार रहा हूँ। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ पार्ट बुरा लगा हो, कुछ खराब लगा हो, तो मेरे को माफ करना, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम मेकिंग मोटिवेशनल वीडियो। आपके लिए मैंने एक छोटा सा चीज किया है, मेरे सारे के सारे सोर्सेज जो है जिसमें से मतलब ये वीडियो देखे है मैंने, मतलब जहां से मेरा सोर्स है, तो मैं इन सबको नीचे लिंक जो इनकी है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। देखो मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, आप अपने लिए थोड़ा मेहनत करो, वहां पे वीडियोस जाके देखो, सारे के सारे वीडियोस देखना और मुझे बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा करके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और भाई शेयर करो। तब तक के लिए बाय।